हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस स्टडी ग्रुप में। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं उसको हमको। ये एक बायोटेक्निक्स हैं जिसमें हमें टेक्निक्स दिए गए हैं उसको हमको अरेंज करने हैं। तो सबसे पहले जो है, हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं, और आइसोलेट करने के बाद उसके आइसोलेटिव पॉइंट्स के हिसाब से अरेंज करते हैं। एक पीएच ग्रेडियंट सेट करते हैं एक जेल में, जिसमें फिर प्रोटीन्स को, वेरियस प्रोटीन्स को पुट कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसको सेपरेट करते हैं। फिर हमको एक अलग अलग प्रोटीन्स मिल जाते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, फिर एचडीएस पेज में रन करा देते हैं। एचडीएस पेज में रन कराने के बाद हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन का प्राप्ति होती है, और इस प्रोटीन को हम पहले क्या करते हैं कि इसका डाइजेशन करने के बाद हमको पेप्टाइड मिक्सचर प्राप्त होता है, और इस पेप्टाइड मिक्सचर का हम माल्डी टॉफ करते हैं। तो इस प्रकार से आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद आइसोलेटिव फोकसिंग, फिर एचडीएस पेज, फिर माल्डी टॉफ। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है कि सिलोम किसमें पाया जाता है, ट्रू सिलोम। तो इसमें आप देख सकते हो, ये तीनों जो कैटेगरीज हैं इसमें सिलोम पाया जाता है, एक्सेप्ट पोरीफेरा। पोरीफेरा का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जो सिलोम होता है मेसोडर्म्स के बीच में जो खाली जगह होते हैं हम उसको सिलोम कहते हैं। लेकिन आप जैसे देख रहे थे, पोरीफेरा में जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी एक्चुअल में सिलोम नहीं होने के कारण ये ट्रू सिलोम नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया, हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अप्लाई होने के लिए क्या 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 कंडीशंस है, क्या क्या कंडीशंस। तो इसका आंसर रहेगा डी। जैसा कि आप देख सकते हो, हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अप्लाई होने के लिए जो पॉपुलेशन साइज है बहुत बड़ा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, जिसमें सेलेक्शन का कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, और जो पॉपुलेशन है वो बहुत क्लोज होना चाहिए, जहाँ पे ना इमिग्रेशन हो ना ही इमाइग्रेशन हो, तो इस तरीके ना ही म्यूटेशन जिसमें ऑपरेट करता हो। इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 64 में, कि जो वेस्टर्न घाट में सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जबकि डेक्कन के पठार में नहीं है, डेक्कन के पठार में कटीले वन पाया जाता है। तो उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बारिश, जिसमें वेस्टर्न घाट में हैवी रेनफॉल होता है और डेक्कन के पठार में कम रेनफॉल, क्योंकि जो क्वांटिटी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, मतलब कि बारिश की मात्रा, समय, ये सब ही डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन को। वेजिटेशन मतलब कि वहाँ पे कि कौन से किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 64 के और देखते हैं, जो दो दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस की ऑथेंटिसिटी हमको देखने की, कौन से सही है कौन गलत है। तो जो सिकलीड्स जो हैं वो माउथ ब्रीडर्स हैं, और स्टिकल बैक क्या करते हैं, एक प्रॉपर नेस्ट बनाते हैं, नेस्ट मतलब घोंसला बनाते हैं। तो देखते हैं, जो सिकलीड जो फिशेस होती हैं वो क्या करते हैं, अपने एग को अपने माउथ में रखती है, और इसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग को भी अपने माउथ में लेके उसको कैरी करती है। और जो स्टिकल बैक जो फिशेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्रॉपर नेस्ट बनाती है में, जहाँ पे फीमेल इंटर करती है, फीमेल इंटर करने के बाद अपना एग को वहाँ ले कर देती है, और मेल वहाँ पे अपने, उसके बाद जाने के बाद मेल अपना जो मेल गैमेट्स है उसको रिलीज करता है, और उसकी प्रॉपर देख रेख करता है उस नेस्ट के अंदर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दोनों ही सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फॉस्फोराइलेशन कब होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है उससे एनर्जी निकलती है और एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। तो इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, सीडीएनए आप, जैसा कि हम सबको पता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कब बनता है, जब डीएनए से हम एमआरएनए बनाते हैं, और एमआरएनए से फिर से डीएनए का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं, फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो किस फेज में रहता है, मतलब कि मेम्ब्रेन के इनर मोनोलेयर में होता है कि आउटर मोनोलेयर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉस्फेटिडाइल सेरीन का जो प्रेजेंस है, ज्यादातर पार्ट होता है वो इनर मोनोलेयर में, इनर मोनोलेयर में, तो जब फ्लिप फ्लॉप होता है तो वो आउटर मोनोलेयर में चले जाता है, और आउटर मोनोलेयर में होने के कारण उसको उस सेल का एज अ एपोप्टोटिक सेल रिकॉग्निशन होता है, और उस सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है, एक स्टेप्स दिया गया है विच इज रिलेटेड टू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जैसे फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन, लैमिन एबीसी। लैमिन क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर बायलेयर होता है, उसमें जो लैमिना जिसे हम कहते हैं, लैमिना जो प्रोटीन्स होता है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन होने के कारण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन होता है, और वो ये सब होता है प्रोफेज के इनिशिएशन, इनिशियल प्रोफेज में, जिससे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड होता है और हमारा सेल प्रोसीड करता है सेल डिवीजन के लिए। और जो आरबी प्रोटीन है, रेटिनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन है, उसका फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ही जी वन फेज से है प्रोसीड करता है एस फेज की ओर। तो फॉस्फोराइलेशन कब जरूरी है, जी वन फेज में। और जो आप देख सकते हैं सेक्यूरिन, सेक्यूरिन प्रोटीन का जब यूबिक्यूटिनाइजेशन होता है, यूबिक्यूटिनाइजेशन होने के कारण सेपरेस प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो जाता है, और सेपरेस प्रोटीन ही क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम के डिवीजन को कॉज कराता है। तो ये प्रोसेस पूरा होता है मेटाफेज के बाद, मतलब कि एनाफेज में। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ऑप्शन जो पहला सेंटेंस है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोफेज को, दूसरा सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है जी वन फेज को, और तीसरा सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है किसको, एनाफेज को। और ये जो एसोसिएशन ऑफ इनर न्यूक्लियर, और ये एनाफेज के लेट लास्ट में ये सब प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है पॉलीराइबोसोम या फिर डाइमर ऑफ राइबोसोम, दो राइबोसोम आपस में कब अटैच होते हैं, जब इसका आंसर रहेगा मैग्नीशियम आयन, क्योंकि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहेगा तो 30S राइबोसोम और 50S राइबोसोम आपस में मिल जाते हैं और 70S राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी तरह 40S और 60S राइबोसोम मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में बाइंड हो जाते हैं, डाइमराइज हो जाते हैं, और 80S राइबोसोम का प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रेजेंटेशन है हमारे लाइफ साइंस स्टडी ग्रुप का। अगर आप ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए, हमें लाइक कीजिए, और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए, और जो आप इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के अपडेट हम आपको मिलते रहेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया एपोप्टोसिस किसके कारण होता है। तो ये सब जो चारों ऑप्शन है, दैट इज ओनली एब्रिविएशन, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर रहेगा बी। जैसे कि आप देख सकते हैं पीसीडी, प्रोग्राम सेल डेथ को हम पीसीडी कह रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ ही एपोप्टोसिस होता है। तो इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है एंटीजन रिकॉग्निशन बाय इम्यून सिस्टम। तो एंटीजन का वो पार्ट जिससे, जिसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, वो क्या है, वो डायरेक्टली इसको हम एपिटोप कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से बाइंड होता है, उसे हम एंटीबॉडी एपिटोप कहते हैं। एंटीजन के पार्ट से, कौन से पार्ट से, एपिटोप से बाइंड होता है एंटीबॉडी। इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, जिम्नोस्पर्म के सीड में क्या होता है। तो आप देख सकते हो जिम्नोस्पर्म का सीड यहाँ पे दिया गया है, 2N रिप्रेजेंट करता है दोस्तों स्पोरोफाइट्स को, स्पोरोफाइट कंडीशन को, और N बोले तो हैप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, गेमेटोफाइट को। तो आप देख सकते हो एक सीड में गेमेटोफाइट पार्ट होता है, कौन सा गेमेटोफाइट, और जो पुराना गेमेटोसाइट है, और न्यू स्पोरोफाइट का पार्ट होता है जो कि आगे चल के इम्ब्रायो है, और यही आगे चल के नया स्पोरोफाइट को जन्म देगा। तो इसका आंसर रहेगा ए, जिसमें बी और सी दोनों प्रेजेंट होता है, प्रीवियस गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है और न्यू स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है, प्रीवियस स्पोरोफाइट प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 जो एंजियोस्पर्म में है, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस और पॉलिनेशन की प्रोसेस का मिक्सचर है, तो इसमें कौन सा प्रोसेस पहले होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओव्यूल और पोलन ग्रेन के बनने के लिए मियोसिस जरूरी है। तो सबसे पहले मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जो दोनों गैमिट्स हैं आपस में फर्टिलाइज होने के लिए, तो पोलन ग्रेन पहले स्टिग्मा पे लैंड करेगा। स्टिग्मा पे लैंड करने के कारण जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, स्टिग्मा पे लैंड करने को हम कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन होने के बाद जब स्टिग्मा पे आएगा तो वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करके जो पोलन का न्यूक्लियस है दैट विल फर्टिलाइज टू ओव्यूल का न्यूक्लियस। तो इससे जो बनेगा मेल और फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन फ्यूजन से बनेगा जायगोट। तो ये प्रोसेस कहलाया फर्टिलाइजेशन, फिर बनेगा फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फॉर्मेशन ऑफ जायगोट होने के बाद वो एम्ब्रायो बन के
जर्मिनेट होगा और स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस आप देख सकते हो, पहले मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर सैक से पोलन का स्टिग्मा पे लैंड करना, फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन होने के बाद वो फर्टिलाइज करेगा ओव्यूल के एग सेल को, और आगे इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा जो कि स्पोरोफाइट को जन्म देगा। तो इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब कि प्लांट पार्ट से वाटर का निकलना, वाटर का हीट के कारण निकलना। तो इसका मेजर पार्ट जो होता है दोस्तों स्टोमेटा के कारण होता है। तो ए इज रिलेटेड टू वन फर्स्ट सेंटेंस, और जो मेजर पार्ट जो होता है स्टोमेटा के थ्रू। फिर जो लेंटिकल जो होते हैं स्टेम में जो कुछ दरारें होती हैं उसको हम लेंटिकल कहते हैं। तो ये जो बी है दैट इज रिलेटेड टू 0.1%, जैसा कि इसका आप देख सकते हो। क्यूटिकुलर जो ट्रांसपीरेशन होता है 5-10%, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है 1-5%, ऑस्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है 90% के अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 में जो इतना सारा दिया है उसको आप देख सकते हैं, जो चार सेंटेंस है चारों सेंटेंस में से कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत। तो हम पहले इसका देखते हैं डिडक्टिव मेथड से कि कौन कौन से गलत है। तो पहला आप देख सकते हो रिबुलोस 1,2-बिसफॉस्फेट जो कार्बोक्सिलेस है, रूबिस्को एंजाइम है। रूबिस्को एंजाइम के जो स्मॉल सब यूनिट्स है, सो स्मॉल सब यूनिट इनकोड होते हैं न्यूक्लियर जीनोम में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है कि जो स्मॉल सब यूनिट है वो प्लास्टिड में इंकोड होते हैं, ऐसा कहा गया। तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है, ये कहा जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस इंकोडेड जो एंजाइम है वो ट्रांसलेट कहाँ होते हैं 70S राइबोसोम में। न्यूक्लियस में जो एंजाइम जो इंकोड हो रहे हैं वो 70S साइटोसोल के 70S से ट्रांसलेट होते हैं, जबकि दोस्तों क्लोरोप्लास्ट एक मैच्योर स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम नहीं 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी है वो गलत रहेगा। तो अब बचते हैं बी और सी, बी और सी दोनों ही सही रहेंगे। तो इसका आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 इट्स क्वाइट एप्लीकेबल को दोस्तों। तो इसमें मेरिजाइगोट, मेरिजाइगोट क्या होता है, जिसमें ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस हो, मोर देन वन न्यूक्लियस हो, तो उसको न्यूक्लियस दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल का कंपोजिट हो। तो आप देख सकते हो दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल कंडीशन दिया गया है। तो इसको आप हम देख सकते हैं कि जहाँ पे इंड्यूसर है इनहिबिटर जो है, इनहिबिटर प्रोड्यूस होगा आई प्लस के द्वारा, जो रेगुलेटर जीन होता है, जो रेगुलेटर के द्वारा इनहिबिटर प्रोड्यूस होगा, और इनहिबिटर प्रोड्यूस होने के कारण वो ऑपरेटर पे बाइंड होके ट्रांसलेशन को नहीं होने देगा, और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं वो ट्रांसएक्ट करेगा अपने सिस एक्टिंग स्ट्रक्चरल जीन को तो हॉल्ट करेगा ही, और ट्रांसएक्टिंग स्ट्रक्चरल जीन को भी नहीं होने देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। तो दोनों ही कंडीशन में नहीं होगा। तो जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल लैक्टोज या एलो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो जो इंड्यूसर प्रोटीन इनहिबिटर प्रोटीन बनते हैं उसको इनएक्टिवेट कर देगा, जिससे कि ये क्या करता है बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जो सीज जीन है यहाँ पे जेड माइनस जो स्ट्रक्चरल जीन है जेड वो प्रेजेंट ही नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा। तो यहाँ इस कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं होगा, लेकिन जब ये ट्रांस कंडीशन में देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से तो इनहिबिटर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर जीन पे, और जेड प्लस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये जो दोनों सेट है वो इंड्यूस किया जा सकता है, इंड्यूस किया जाता है मतलब कि इंड्यूसर को अगर प्रेजेंट रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इसका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 79 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि वाटर से जो दूर जाने वाले कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, मतलब कि वाटर जो होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल से वही मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे जो कि क्या होंगे नॉन पोलर। तो इसका आंसर होगा ए।
क्वेश्चन नंबर 80 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस वीडियो दोस्तों, साइक्लोब्यूटेन रिंग है वो किन के बीच बनता है जब न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज का 260 नैनोमीटर रेडिएशन में जब एक्सपोज होते हैं डीएनए, तो न्यूक्लियोट कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड में डाइमराइजेशन होता है और ये साइक्लोब्यूटेन रिंग बनता है। तो इसका आंसर रहेगा डी। जैसे कि आप देख सकते हैं दो थायमिन जो होते हैं जब यूवी रेस पड़ते हैं 260 नैनोमीटर का रेडिएशन पड़ता है तो आपस में डाइमराइज हो जाते हैं और इस तरीके से क्या बनता है, साइक्लोब्यूटेन का थायमिन डाइमर बनता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम अगला पार्ट बहुत जल्द रिलीज कर रहे हैं और जिन्होंने ये वीडियो जिनको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।